मूवमेंट है हम सब के लिए, कठुआ वासियों के लिए और पावर लिफ्टिंग के लिए, क्योंकि पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन जब से हम इसकी कमांड संभाली है और हमारे लिए रोल मॉडल एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के गारजीत सिंह ही रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 22-23 सालों से स्पोर्ट्स कैटेगरी में हैं और जब हमने गेम शुरू की थी 2001 में ये हमारे भी सीनियर है और हम इनके अंडर उस वक्त ट्रेनिंग भी लेते थे। अभी 2017 से जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप्स करवा रहे हैं गारजीत सिंह जी का, उसमें एक खासी स्पोर्ट्स सिस्टम रहा है। वर्दी SSP साहब की तरफ से इन्होंने पुलिस लाइन की जिम से हमें वेट लिफ्टिंग का पूरी एक किट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, कंपटीशन में वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेंट्स लाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई भी चैंपियनशिप होती है हर डिस्ट्रिक्ट में 30-40 के बीच पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इकलौता पूरी जम्मू कश्मीर में कठुआ ही एक ऐसा जिला है जिसमें मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं सभी लिफ्टर। तो इसका क्रेडिट भी मैं समझता हूँ कि गारजीत भैया को ही जाता है, क्योंकि ये नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। जो अभी 2 जनवरी को हमने यहाँ पे डेडलिफ्ट चैंपियनशिप करवाई रिवाज बैंकेट हॉल में, तो इसमें भी गोल्ड मेडल प्लस ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी इनके नाम रही। एक बेस्ट लिफ्टर का जो एक अवार्ड होता है उस खिताब से भी इन्हीं को निवाजा गया, क्योंकि 105 कैटेगरी में इन्होंने 250 kg ईजिली लिफ्ट किया है। उससे पहले 19 दिसंबर को स्टेट लेवल की चैंपियनशिप हुई तो उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। उससे पहले एसोसिएशन की तरफ से पूरे इंडिया तक पुणे में ब्रॉन्ज मेडल लिया था उस वक्त इन्होंने नेशनल लेवल में 2018 में, उसके बाद दिल्ली में भी नेशनल मेडल था और इसके अलावा भी इनकी बेशुमार नेशनल अचीवमेंट्स हैं। मैं समझता हूं कि उम्मीद जो है हम सब ने यही रखी है कि आने वाले कुछ समय में गारजीत सिंह का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होगा। ये पावर लिफ्टिंग के लिए, हमारे कठुआ के लिए ये एक बड़ी प्राउडफुल बात है, जम्मू के पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। तो हम सब दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में गारजीत सिंह जी का नाम जो है पूरी दुनिया जाने। धन्यवाद। सर, कौन से ग्रुप से आप वावस्ता हैं और नेशनल में आप मेडल लेकर आए, कहाँ पे टूर्नामेंट हुई सर? ये सर असंत पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, वहाँ पे हुई थी टूर्नामेंट। नेशनल लेवल का कंपटीशन था ये, जे एंड के से लेकर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक प्लेयर आए थे। तो हम भी इधर से गए थे, 4-5 लड़के कश्मीर से थे, जम्मू से मैं अकेला ही था। इसमें गोल्ड आया, 2 इवेंट खेले मैंने, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, दोनों में गोल्ड आया सर। तो किस वेट कैटेगरी में थे और जम्मू कश्मीर में और भी कोई? मैं 90 प्लस में था सर। तो और भी कोई जम्मू कश्मीर में लाया है? हाँ, 3-4 लड़के थे और मेरे ख्याल 2 मेडल और आए हैं जम्मू से, सॉरी श्रीनगर से। तो कौन से थे वो? वो जूनियर थे लड़के, एक लड़की थी एक लड़का था जूनियर। कभी गोल्ड है? हाँ, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है शायद। तो कौन से महकमे से आप वावस्ता हैं? मैं J&K पुलिस से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ से हूँ। तो सुल्तानपुर मेरे गाँव का नाम है, तहसील मड़ीन, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गारजीत सिंह है सर। क्या देखते हैं युवाओं के लिए, क्या मैसेज रहेगा युवाओं के लिए? मेरा मैसेज ये है कि जो फर्जी कोच है उनसे बचें प्लीज़,
फर्जी कोच खुद तो खत्म होंगे एक दिन, आपको भी खत्म कर देंगे, इंटरनली आप लोग खत्म हो जाएंगे। किस तरह के फर्जी, क्या दिक्कत? फर्जी जो जिनको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में कोच बने हुए हैं, उनसे बचें प्लीज, यही मैसेज है मेरा। तो देखता है कि डोजेस वगैरह भी रहती हैं कोई उनको? देखो स्टीरॉयड के चक्कर से बचें, वो खुद जो फर्जी का मतलब ही यही है, फिर खुद नॉलेज तो है ही नहीं, स्टीरॉयड से खुद बने हैं, स्टीरॉयड से दूसरों को बनाना चाहते हैं, खुद भी खत्म दूसरे भी खत्म, प्लीज उनसे अपना बचाव रखें वरना आप खत्म हो जाओगे। अगला क्या टाइम कम कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स की फेलिसिएशन में आज इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने सिर्फ कठुआ ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो पूरे इंडिया में एक रोशन करके और हमारे बीच आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं गारजीत सिंह जी की बात कर रहा हूँ जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी हैं और अपनी ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने अपनी फिजिक को इस वे में अपने को बिल्डअप करा कि आज वो हमारे लिए एक नहीं दो दो गोल्ड लेके आए हैं। तो हम लोग इनके साथ, हम इनके आशीर्वाद से, इनके प्यार के साथ और जो एक मोटिवेशन रहती है, ये यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं आपके माध्यम से सारे यूथ को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप इनसे सीखें, इनसे इनके जो काम हैं, इनके जो डेली रूटीन है, जो वर्कआउट है, आप उसके ऊपर चल के अपने आने वाली लाइफ में नशे से हटके आप भी ऐसा नाम रोशन कर सकते हैं अपने घर परिवार का, अपनी दुनिया का, अपने लोगों का, अपने कठुआ का। तो इनका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं आज और हमारी जो टीम है यहाँ का कठुआ का यूथ है ये इनको वापस वेलकम करता है और आने वाले समय के लिए इनको बेस्ट विशेष देता है ताकि आगे चल के ये और करें और इनको देख के हमारे और जो युवा भाई हैं वो भी इनके अच्छे नक्शे कदम पे चलें। लगातार जो गोल्ड आते रहे हैं, पहले भी इन्होंने काफ़ी कमाया, आप क्या उम्मीद रखते हैं इनसे आप आगे? देखिए जैसा मैं आपको, जितना मैं इनको पर्सनली जानता हूँ मेरे हिसाब से ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज तक कभी भी कोई सप्लीमेंट या फिर आप कहें कि कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं लिया। जैसा अभी आपके सामने उन्होंने बोला कि फर्जी कोचों से बचे, फर्जी कोच से मतलब ये है कि जो आपको सब्स्टिट्यूट लेके या फिर आपको स्टेरॉइड्स लेके या फिर आपको कुछ गलत तरीके के ड्रग्स लेके अपनी बॉडी को बिल्डअप करके वो अंदर से खोखला बॉडी बनेगी, ना कि आपको पावर रहेगी। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो इनमें स्ट्रेंथ है जैसा ये दिखते हैं उतनी पावर ये रखते हैं, उतनी पावर ये गेन करते हैं और आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं। हाँ, अगर आप कभी किसी को ज़रूरत है इनकी गाइडेंस की, इनके अगर आप चाहते हैं कि ये आपको सपोर्ट करें, आपको डाइट प्लान दें, आपको कैसे अपने जो बॉडी का फिजिक्स का ध्यान रखना है उसके बारे में आप मिलना चाहें तो आप इनसे डायरेक्टली भी मिल सकते हैं। और यही मैसेज रहेगा सबके लिए कि बढ़ चढ़ के आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ आए, नशे से दूर रहें। तो पुलिस के जो आला कमान है DGP दिलवा सिंह, उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज? देखिए DGP साहब, SSP साहब के साथ भी जब DGP साहब का विजिट हुआ था तब उन्होंने इनको अप्रिशिएट भी करा था और इसके लिए अभी तो कोविड का थोड़ा सा ये कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसलिए शायद वो इतना फेलिसिएशन वगैरह उन्होंने नहीं करा, लेकिन जिस दिन भी यहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है होता है तो SSP साहब भी इनको फेलिसिएट करेंगे। और मैं DGP साहब से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको और मोटिवेट करें, इन लोगों को और एक फ्री हैंड दें ताकि ये अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा चमका के इन लोगों को, ऐसे भाइयों को हमारे इंडिया के लिए, जो आज इंडिया के खेल के दो गोल्ड लाए हैं, अगर ऐसे और भी युवा इनके अंडर सुपरविजन में तैयार होंगे तो आने वाले बहुत छोटे टाइम में, हमारा एक कठुआ छोटा सा जिला है, यहाँ पे बहुत प्रतिभा है और हमारे साथ जो फेडरेशन के लोग हैं जो यहाँ पे शाना बशाना, अभी भी आपने देखा पिछले कुछ टाइम में ही यहाँ पे जो फेडरेशन है यहाँ की पावर वेट लिफ्टिंग के और बाकी बॉडी बिल्डिंग के हैं, इन्होंने काफ़ी इवेंट्स कराए हैं। तो ऐसे जो संस्थाएँ हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको और प्रोत्साहन दिया जाए। मांग रखते हैं आप DGP जम्मू कश्मीर से? आपके माध्यम से मैं DGP साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये डिमांड रखना चाहूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पे हमारे कठुआ के लिए, JKP पुलिस के लिए एक ऐसा गौरवपूर्ण जो तमगा लाया है, इनको अच्छे से अच्छा, इनको एक अच्छी सपोर्ट की जाए, इनको वो एक अच्छा ओहदा दिया जाए और इनके जो सम्मानित करने के लिए इनको कुछ जैसे अवार्ड वगैरह है वो इनके लिए एक स्पेशल फंक्शन में इनको बुला के वहाँ पे इनको सम्मानित किया।